न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। शिवपुरी के पीएसक्यू लाइन के सरकारी क्वार्टर्स में पिछले दो महीने से बंदर डेरा जमाए हुए हैं। बंदर आए दिन बच्चों पर हमला कर देते हैं, जिससे पीएसक्यू लाइन में रहने वाले लोग आतंकित हैं। बंदरों के आतंक का सामना कर रहे लोग वन विभाग को सूचना दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोग बंदरों के भय से बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। बंदर मौका मिलते ही बच्चों को निशाना बना लेते हैं, जिससे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी इलाज के इंतजाम आधे अधूरे हैं, जिससे बंदरों का आतंक और ज़्यादा गंभीर हो गया है। अभी यहाँ पर दो बच्चे घायल हो गए हैं, बंदरों के आतंक हुआ था पीएसक्यू लाइन में। बंदर कम से महीना डेढ़ वो महीना हो गया, वन विभाग से कहा कोई कार्रवाई नहीं होती। दो तीन बार हमने सूचना कर दी, 186 पे भी लगा दिया, कोई ध्यान नहीं। ये तो आदिवासी बच्चे जो कचरा बीन रहे थे उनके ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया, उसके गाल में जी जी चलो देख लो आप, उस चोट मतलब दीवार भी टूट गई है, दीवार भी दब गए, वो बूंदे एकदम से उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। शिवपुरी से बंटी यादव की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।